कैसा लगा गाना? अमेजिंग, इट्स अ मोटिवेशनल सॉन्ग एंड गिव्स अ पॉजिटिविटी। थोड़ा सा इमोशन हुआ फिर खड़ा हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ गाने की रिकॉर्डिंग में और एक साथ आई है और गाना में हल्की सही लिखा हुआ है, ये ज़्यादा डबल लाजमी हो जाता है। रिकॉर्डिंग में आपको दिखाती हूँ सॉन्ग, रिकॉर्डिंग बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। अपकमिंग फिल्म है तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग स्टूडियो में इंटर कर रहे हैं और गणपति जी हैं सामने। देखिए ये स्टूडियो है, यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं, शाहिद मालिया जी भी आ गए हैं और तैयारी चल रही है। काफ़ी खुश हैं सभी लोग, इस तरह का एनवायरनमेंट है। ये देखिए सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। हम लोग सही वक्त पे पहुंच गए हैं गाइस। देखिए तैयारी चल रही है, क्या नज़ारा होता है स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के पहले। यहाँ शाहिद मालिया जी बैठे हैं और झा जी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो उनको कंपोजिशन समझा रहे हैं और जो रिकॉर्डिस्ट हैं उनके साथ मिलके तीनों जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। गाने की तैयारी इसी तरह से प्रिपेयर होता है और आप सामने जो स्क्रीन देख रहे हैं वहाँ पे साउंड जब रिकॉर्ड होता है तो वहाँ पे हमको वो सब दिखाई देती हैं, लाइंस जो आती हैं। देखिए ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो गई है, शाहिद मालिया जी अंदर चले गए हैं, हम लोग यहाँ बाहर बैठेंगे रिकॉर्डिस्ट के पास। और रिकॉर्डिंग रूम अंदर होता है, सामने ये मिरर आप देख रहे हैं, मिरर के उस तरफ रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। तो अंदर की साइड जो मिरर आप देख रहे हैं उसके दूसरी तरफ शाहिद मालिया जी हैं जो वहाँ से गाना गा रहे हैं और इस तरफ हम लोग बैठे हैं, हमें साउंड सुनाई दे रहा है। तो रिकॉर्डिंग चल रही है फ्रेंड्स, सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है गाना। देखिए किस तरह से सब लोग मज़े ले रहे हैं और इंटरटेन हो रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना बना है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और गाना फाइनली अभी रिकॉर्ड हो चुका है, देखिए शाहिद जी आ गए हैं स्टूडियो से बाहर और अब हम सभी लोग मिलकर गाने को सुन रहे हैं। अब लेकिन हम आप लोगों को नहीं सुना सकते, कुछ मजबूरियां होती हैं क्योंकि गाना अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, लीक होने का ख़तरा होता है, इसलिए गाना हम आपको नहीं सुना सकते। लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत गाना है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो दादा कैसा लगा गाना? तो फ्रेंड्स हमारे साथ हैं फेमस म्यूजिक डायरेक्टर राजेश झा जी, तो आइए जानते हैं कि आज का गाना उनको कैसा लगा। तो राजेश जी गाने के बारे में हमें बताइए कि किस तरह का आपको लगा। और मेरा प्रणाम सबको। गाना चूंकि मैंने कंपोज किया है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा, क्या शब्द बहुत अच्छे हैं, बहुत डीप हैं, बहुत गहराई है शब्दों में। ये सब शब्दों पे निर्भर करता है कि शब्द कैसे हैं, अच्छे शब्द होते हैं तो कंपोजिशन भी अच्छी बन जाती है। शाहिद मालिया रेनॉल्ड सिंगर है आज के डेट में और उन्होंने बहुत अच्छा निभाया गाना। म्यूजिक भी आपने बहुत अच्छा, मतलब कंपोजिशन भी बहुत बेहतरीन है गाने का, कोशिश की है हमने। तो फ्रेंड्स हमारे साथ हैं आज विकास शर्मा जी जो क्लासिक इंटरटेनमेंट के मालिक हैं और इन्होंने एक फिल्म बनाई है, बहुत ही खूबसूरत है और आज एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और यहाँ पे स्टूडियो में एक गाना रिकॉर्ड हुआ है जो अपकमिंग प्रोजेक्ट का है। तो आइए जानते हैं विकास जी से कि किस तरह का गाना है और क्या प्रोजेक्ट आने वाला है, कब तक ये सॉन्ग मार्केट में आएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं विकास शर्मा जी से। ये गाना हमारे दिल के बहुत करीब है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, और इसका म्यूजिक दिया है राजेश जी ने और इसके जो लिरिक्स हैं वो अजय आनंद जी ने लिखे हैं। काफ़ी समय से एक हमारी एक फिल्म अभी हमने की है हाल फिलहाल में और हम एक फिल्म करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे एक बीच में इस तरह का एक गाना आया जो अजय जी ने एक बार सुनाया मुझे कि देखिए मैंने बहुत अच्छा गाना लिखा है। मैंने कहा यार इसको तो रिकॉर्ड करना चाहिए, तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है,
आज नहीं कल इस पब्लिक जब इसके पास ये गाना पहुंचेगा तो लोग इसको सुनकर इंस्पायर्ड होंगे कि हाँ मतलब उसमें कुछ है बात। तो बस एक छोटा सा प्रयास है जनता तक पहुंचने का, जनता के इमोशंस को और पब्लिक के इमोशंस को समझ कर उसे फिल्मी रूप में अपने तरीके से प्रस्तुत करने का एक बीड़ा उठाया है हम लोगों ने, फिल्मकारों ने। तो उसमें एक छोटा सा हम लोग भी एक पत्थर रख रहे हैं। तो सर आप भी रिकॉर्डिंग के वक्त यहाँ पर थे, आपको जो लिरिक्स कैसे लगे अनवर जी? बहुत अच्छा, बहुत ही सोलफुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मोटिवेशनल। विकास जी हमारे दोस्त हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ, बहुत खुशी के साथ। राजेश जी ने जो म्यूज़िक दिया है वो भी बहुत अच्छा, वो भी हमारे पुराने जानने वाले हैं, बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उनका म्यूज़िक भी लिरिक्स के मुताबिक बहुत ही मैंने आत्मा को छू लेने वाली, झंझोरने वाली क्लासिक एंटरटेनमेंट का ये अपकमिंग प्रोजेक्ट का गाने की आज रिकॉर्डिंग हुई है यहाँ पर। और शाहिद मालिया बहुत ही फेमस सिंगर हैं, ट्रेंडिंग हैं, उनके बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हैं, तो उन्होंने इस गाने में अपनी आवाज़ दी है। ये इमोशनल गाना है और मोटिवेशनल सॉन्ग है, ये इस कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट का सॉन्ग है, इसकी रिकॉर्डिंग में आज मैं आई। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स बने रहें चैनल के साथ ताकि हम आपके साथ इसी तरह वीडियो शेयर कर सकें। तब तक के लिए टेक केयर। वो इशू आ रहा है कि वो जा कहाँ रही हैं? कैसा लगा गाना? अमेजिंग, मोटिवेशनल सॉन्ग एंड गिव सपोर्ट। इतना नज़दीक कीजिएगा। हाँ इधर सर, इधर आइए, इधर।